हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह। फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ एबीजी इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम एबीजी की फुल फॉर्म को समझेंगे, इसके बाद हम इसकी एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो एबीजी की हमारी फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद इससे क्या मतलब होता है कि बॉडी के अंदर हमारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज में हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर हमारी कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं की एनालिसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ को हम जानेंगे कि जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। इससे पहले हम एबीजी एनालिसिस को समझते हैं कि एबीजी एनालिसिस क्यों इशेंशियल होती है और इसमें हम पेशेंट के अंदर क्या चीज़ को देखते हैं। तो एबीजी एनालिसिस द इशेंशियल पार्ट ऑफ डायग्नोसिंग मैनेजिंग द पेशेंट ऑक्सीजनेशन स्टेटस एंड एसिड वेस बैलेंस, ठीक है। तो एबीजी की एनालिसिस हमारी एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी पेशेंट में डायग्नोसिंग मैनेजिंग द ऑक्सीजनेशन स्टेटस एंड एसिड वेस बैलेंस। अब एसिड वेस बैलेंस को मेंटेन कौन करता है बॉडी के अंदर? हमारा पीएच लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम नॉर्मल वैल्यूज में बात करेंगे पीएच लेवल ऑफ बॉडी। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी का पीएच लेवल होता है वो हमारा होता है 7.35 to 7.45। इसके बाद हमारी आती है PaCO2, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, बॉडी के अंदर एक गैस होती है जो कि हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, PaCO2। अब PaCO2 का हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 35 to 45 mmHg। नेक्स्ट है हमारी PaO2, ठीक है। तो PO2 का हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 to 100 mmHg। इसके बाद हमारी फोर्थ है गैसेस वाई कार्बोनेट, ठीक है। तो वाई कार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी, 22 to 26। लास्ट है हमारी SpO2, ठीक है। तो SpO2 हमारा ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, जो मेंटेन रहता है 95 to 100%। ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, किसकी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीएच। तो पीएच क्या है, पीएच इज अ मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच। अगर कभी भी बॉडी में पीएच लेवल हमारा लेस देन 7.35 हो जाए तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एसिडोसिस, ठीक। पीएच लेवल अगर हमारा ग्रेटर देन 7.45 हो जाए तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्कलोसिस। अब इससे एक बार और समझेंगे, नॉर्मल पीएच लेवल हमारा क्या होता है, 7.35 to 7.45। अगर बॉडी का पीएच लेवल 7.35 से कम हो जाता है तब वहां पे जो हमारी बॉडी का स्टेटस चला जाता है, कंडीशन चली जाती है वो एसिडोसिस में, ठीक। अगर पीएच लेवल 7.45 से ज्यादा हो जाता है तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एल्कलोसिस, ठीक है। अब एसिडोसिस और एल्कलोसिस से यहाँ पे क्या मीन है, पीएच लेवल हमारा लेस देन हो गया 7.35 से तो इस कंडीशन को हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं। यही पे एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, और लो पीएच, ठीक। एसिडोसिस की कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे और पीएच क्या हो जाएगा, बॉडी का लो हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जब कभी भी पीएच लेवल ग्रेटर देन 7.45 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलोसिस। अब एल्कलोसिस की कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे और पीएच लेवल क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। द पीएच ऑफ द प्लाज्मा डिपेंड्स ऑन PaCO2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट। तो जो हमारा प्लाज्मा के अंदर जो पीएच लेवल होता है वो डिपेंड्स करता है किस पे, PaCO2 पे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट, ठीक। पीएच इज मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय
PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। जो हमारी बॉडी का pH लेवल होता है वो मेंटेन होता है एंड रेगुलेटेड होता है बाई PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लंग्स कंट्रोल द PaCO2। अब ये जो PaCO2 है बाइकार्बोनेट है, अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ABG इंटरप्रिटेशन के बारे में समझ रहे हैं, जो हम लोग सुपरफिशियल समझ रहे हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस होती क्या है, इनका बॉडी में काम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और इनका नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, एंड अदर थिंग कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे मेन पॉइंट आ गया कि pH जो है हमारी बॉडी का वो मेंटेन होता है और रेगुलेटेड होता है वाई PaCO2 एंड वाई कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो PaCO2 है एंड वाई कार्बोनेट है, ये भी तो किसी के द्वारा कंट्रोल होते होंगे, रेगुलेट होते होंगे बॉडी के अंदर। तो लंग्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं द PaCO2 को, ठीक है। PaCO2 को कंट्रोल करने का काम हमारे बॉडी के अंदर लंग्स का होता है, और जो बाइकार्बोनेट होता है इसको रेगुलेट करने का काम हमारा किसका होता है, किडनी का, ठीक है। एंड हेंस लंग्स एंड किडनी बोथ रेगुलेट द नॉर्मल लेवल ऑफ pH। तो बॉडी का जो हमारा pH लेवल है वो मेंटेन एंड रेगुलेट होता है वाय लंग्स एंड किडनी। तो किडनी और लंग्स दोनों का ही मेन रोल होता है pH लेवल को मेंटेन एंड रेगुलेट करने का, ठीक है। तो ये था हमारा pH के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे PaCO2 के बारे में। तो PaCO2 में अब नॉर्मल वैल्यूज इसकी क्या थी, PaCO2 की 35 to 45 mmHg, ठीक है। तो अगर PaCO2 लेस देन 35 हो जाता है तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे बेसिक, एंड PaCO2 अगर ग्रेटर देन 45 हो जाता है mmHg तब उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग एसिडिक। अब जब हमने pH के बारे में बात करी, PaCO2 के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट के बारे में। तो बाइकार्बोनेट में नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी होती है, 22 to 26, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 26 हो जाता है तब उस कंडीशन को हम लोग बेसिक बोलेंगे, एंड लेस देन 22 हो जाता है तब उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक। ग्रेटर देन 26 बेसिक, लेस देन 22 एसिडिक, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली AVG इंटरप्रिटेशन के बारे में, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।